क्या बात है। जी हाँ, आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार आदेश का प्रणाम। वुड यू बिलीव इफ आई टेल यू दैट द विमेंस विलेज इन उत्तराखंड इज गोइंग टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट वेरी सून। चौंकिए मत, विश्वास कीजिए, उत्तराखंड का एक चिन्हित महिला गांव जल्दी ही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपने कदम रखने वाला है। आइए आपको बताते हैं इस द विमेंस विलेज के बारे में और मिलवाते हैं इसके प्रणेता प्रदीप पवार और इसकी तरफ से जल्दी ही माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सविता कंसवाल से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री के पास का एक गांव, यहां पहाड़ी लोकगीतों की धुन पर थिरकती इन महिलाओं की खुशी का कारण है बुआरी गांव। स्थानीय बोली में बुआरी का मतलब बहू। इस तरह बुआरी गांव हुआ द विमेंस विलेज। इस बुआरी गांव के पीछे की अनूठी सोच है, गांव में खाली पड़ी छानियों का ग्रामीण पर्यटन हेतु होम स्टे में रूपांतरण। छानियां यानी पशुओं को बांधने की जगह जो हाल में पशुपालन और खेती से मुंह मोड़ने के चलते खाली रहने लगे हैं। अपनी ऐसी ही दो छानियों को बीते साल जुलाई 2021 से दिसंबर के बीच होम स्टे में रूपांतरित कर प्रदीप पवार ने इस बुआरी गांव या द विमेंस विलेज की शुरुआत की। महिलाओं का यहां इस गांव में ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट होता है। वो अपने पशुओं को घास पत्ती चारा वगैरह जो भी उनको पशुपालन करना है तो महिलाएं ही ज्यादा रहती है छानियों में। तो इसलिए इसका नाम हमने महिला गांव बुआरी गांव रखा है। बुआरी गांव के नामकरण के पीछे दो और कारण हैं। पास के गांव की चोटी पर स्थित मां जगदेई के आशीर्वाद की आकांक्षा और इस मथोली गांव में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का ज्यादा अनुपात। मथोली में ही करीब 40 और छानियां हैं। दो छानियों से बने प्रदीप पवार के इस होम स्टे के बढ़ते व्यापार और लाभ को देखकर बाकी गांव वाले भी अपनी अपनी छानियों को होम स्टे में बदलने की सोच रहे हैं। मैं ये कहना चाहता कि जो हमारी चिंबारी जो छानी गांव है कि वो बन जाए तो जो और ग्रुप आए वो उनकी रहने की व्यवस्था कर सके, इससे हमें ये फायदा मिलेंगे। जैसे परदी भैया ने यहाँ बनाया वैसे सबकी छानियाँ ही बनी जाएगी। तो उसे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि बहुओं को यहाँ रोजगार मिल जाएगा। तो सब लोग अब जब लोग यहाँ आ रहे तो सब लोग यही सोच रहे कि हम भी अपना काम शुरू करें। तो कई जिनकी ये छानियाँ हैं उन लोगों ने हमसे बोला है कि ये कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है, तो हमें बता दीजिए, हम अपना बनाने की सोच रहे हैं। तो कई लोग आ गए जो सोच रहे हैं कि हम भी अपनी छानी तैयार करें तो कुछ फ़ायदा हमें भी मिल जाए। बुआरी गाँव या द विमेंस विलेज के कारण स्थानीय लोगों को रोजगार के कई अवसर मिल रहे हैं, जैसे गाइड, फल दूध का व्यापार या भोजन सामग्री उपलब्ध कराने का काम। बढ़ती आमदनी से लोग उत्साहित हैं। जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, इससे गांव का विकास भी हो रहा है और सबको अच्छी नई मिल रही है, सबको नए वो मिल रहे, धंधा मिल रहे हैं और जैसे जैसे ये काम कर रहे हैं वैसे वैसे आगे बढ़ता जा रहा है गाँव। बुआरी गाँव में मतलब अगर महिलाएं अपने वो काम करने शुरू करते तो वहाँ पे सर की क्या उसके नाम छानियाँ जो मतलब पुरानी पड़ी हुई है वो पर्यटक के तौर पे अगर नहीं करना चाहते लोग तो ये सर कर सकते हैं। द विमेंस विलेज की इस पहल से प्रदीप पवार का परिवार भी प्रसन्न है। अब बेटे की सोच है यही लगा हुआ है कि मतलब हम इस गांव को आगे बढ़ाएं, पलायन को रोकें, अपना व्यवसाय अपने ही जोड़ें, यहीं पे अगर विकास हो जाए हर किसी का मतलब ना, तो इस प्रकार की सोच है उसकी। तो अब पर उसे मैं भी काम ना करता हूँ कि वो भी अपने मुकाम पे सफल हो जाए। इस बुआरी गांव का जबरदस्त आकर्षण है पर्यटकों के लिए पे एज यू लाइक का अभिनव प्रयोग। आइए रहिए, आनंद लीजिए, फिर जाते समय खुशी खुशी जितना पैसा देने की इच्छा हो उतना ही दीजिए, यानी बजट के दबाव से मुक्त पर्यटन। अतिथि क्या होता है, भगवान का रूप होता है, तो आप हम अतिथि का सादर इसलिए कर रहे हैं कि आप आइए हमारे घर में रहिए, जो आपके लिए आपके ऊपर चार्जिंग की कोई वो नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि आप इतना चार्ज करेंगे, आप रहिए, अनुभव लेके जाइए, आपकी जो भी श्रद्धा होगी श्रद्धा भक्ति होगी वो देखे जाइए, चले जाइए।
इस प्रकार यह बुआरी गांव या महिला गांव पूरी तरह से स्थानीय लोगों की पहल, उनका व्यवसाय, पर्यटन का एक नया अध्याय, ग्रामीण पर्यटन, शहर के शोर शराबे से दूर गांव के शुद्ध हवा पानी वाले ग्रामीण जीवन का भरपूर आनंद। उत्तराखंड की दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं बेरोजगारी और पलायन। आइए देखते हैं कैसे इस महिला गांव के विभिन्न आयाम इन दोनों समस्याओं को समूल नष्ट करने की तैयारी में हैं। बुआरी गांव की ब्रांड एम्बेसडर प्रसिद्ध युवा पर्वतारोही सविता कंसवाल के माध्यम से यहां ट्रेकिंग एक विशेष आकर्षण होने वाला है। जैसे इस मथोली गांव से नाग टिब्बा तक के लिए 6 दिनों का लगभग अछूता बिल्कुल वर्जिन ट्रैक। इसी ट्रैकिंग रूट के 2 अहम पड़ाव जगदेई माता और कंडक पर सविता कंसवाल कैंप कर भी चुकी हैं। अभी हमने जगदेई माता और कंडक का ट्रैक तो स्टार्ट कर लिया है और हमने यहाँ पे 2 से 3 ट्रैक यहाँ पे शुरू भी कर दिए हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ से नाग टिब्बा का एक दो ग्रुप यहाँ पे जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, यहाँ से वुमेन्स विलेज से नाग टिब्बा तक। ट्रैकिंग के साथ ही इस बुआरी गांव से जुड़े कई और आयाम इलाके के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जैसे प्राकृतिक खेती, पशुपालन, पर्यटकों की हर छोटी बड़ी जरूरतों की चीजों के लिए दुकानें, ट्रांसपोर्ट यानी गाड़ी और ड्राइवर की मांग इत्यादि। इसके चलते ही यहाँ के निवासी, खासकर राजी जैसी बुआरी या बहू, यहाँ के विकास को लेकर आश्वस्त हैं। हमें यह फायदा होगा कि अगर बाहर के लोग आएंगे तो यहाँ का विकास होगा, जो यहाँ की साग सब्जी है वो उन्हें ले जाएंगे और बेचेंगे और यहाँ का विकास होगा और हमें बदले में हमारा हमें पैसे देंगे। हमने बहुत उम्मीदों को लेके बनाया है इसमें, हम महिलाओं का मतलब इनका विकास करना है, महिलाओं का, गाँव का, यहाँ के लोगों को किस तरह से रोजगार मिले। इस प्रकार बुआरी गाँव या महिला गाँव के विभिन्न आयाम न केवल नए नए रोजगारों का सृजन कर रहे हैं बल्कि पहाड़ के गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने में भी सहायक हैं। जब नाम ही महिला गांव हो तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहां एक विशेष आयोजन तो बनता है। घसियारी फेस्टिवल के नाम से घास काटने की प्रतियोगिता इस मौके पर विशेष आयोजनों में प्रमुख रही। यूं तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है, पर इस वर्ष यहां महिला गांव में 6 से 8 मार्च के बीच धूमधाम से मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन अपने आप में अनूठे रहे। गांव की क्षेत्र की महिलाएं, जो ऐसी महिलाएं हैं रूढ़िवादी समाज में जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, उन महिलाओं को हमने यहाँ पे सम्मानित किया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। तो इस तरीके से हमारे छोटे छोटे प्रयास है और आगे जैसे भी हमारे पास आइडियाज आते रहेंगे हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। यहाँ पे हमारे जो ट्रेडिशनल गेम्स थे वो सारे विलुप्त हो गए, लोगों ने फैंसी गेम अपना लिए, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, जो भी है। हम अपने ट्रेडिशनल गेम को जिंदा रखने के लिए हम ये फेस्टिवल करवा रहे हैं। हमारा जो पहले घसेरी कंपटीशन होता था वो विलुप्त हो गया, अब घास काटने का कंपटीशन वो विलुप्त हो गया, कुछ नहीं बचा है। तो इसको, इस प्रथा को दोबारा शुरू करने के लिए हम ये इवेंट कर रहे हैं। 3 दिनों के इस आयोजन में घसियारी प्रतियोगिता प्रमुख आकर्षण रही। हालांकि इलाके की महिलाओं ने सभी खेलों और कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। घसियारी फेस्टिवल में घास काटा, गांव की महिलाओं ने बहुत प्रतियोगिता में भाग लिया, जैसे गिल्ली डंडा और पिट्ठोग्राम, पंचगारे, राजपथरी, इन सभी महिलाओं ने भाग लिया और बड़े उत्साह के साथ खेला सभी ने और सबको बहुत अच्छा मजा आया। घसियारी प्रतियोगिता में हमने भाग लिया और जैसे खेतों में घास काटने गए और बहुत आनंद लिया। वाह, आनंद ही मिला कि कुछ पुरस्कार भी मिला? हाँ सर, पुरस्कार। बुआरी गांव के लिए हमने घास काटा, उसमें भाग लिया, पिट्ठोग्राम खेला, राज खेला, पंचगारे खेले, उसमें बहुत सारा मजा आया। हाँ, 8 तारीख को महिला दिवस हुआ था जिसमें हमने प्रतिभाग लिया था और जिसमें हमारी टीम प्रथम रही थी। इसमें हमने बहुत सारे गेम्स खेले जिसमें पिट्ठा, राज और खो का आदि खेले थे जिसमें हमारी टीम प्रथम आई थी। बकरी छाप एग्रो टूरिज्म की टीम से जुड़े और नाग टिब्बा में बकरी स्वयंवर जैसे प्रसिद्ध समारोह के आयोजकों में शामिल प्रदीप पंवार
उसी तर्ज पर इस महिला गांव या द वुमेन्स विलेज को भी एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी में है। उत्तरकाशी के स्थानीय तीज त्योहारों को महिला गांव से आयोजनों को जोड़कर लोकेशन को प्रमोट करने के लिए वहां का कुछ त्योहार अपनाना पड़ता है। जैसे हमने नागटिब्बा में शुरू किया था, तो नागटिब्बा में बकरी गांव रखा था उसका नाम, तो वहां पे हमने बकरी स्वयंवर जैसे इवेंट करवा दिए, बकरी की शादी करवाई, एक मतलब एक लोगों के बीच में एक मनोरंजन का साधन भी बन गया और हाईलाइट भी हो गया। इसे बुआरी गांव कहिए, महिला गांव या फिर द वुमेन्स विलेज, एक बात तय है कि यह नायाब पहल भविष्य में ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर बनने की कुवत रखता है। महिला गांव नाम की इस अनूठी पहल की ब्रांड एम्बेसडर हैं पर्वतारोहण के क्षेत्र में कम उम्र में ही बड़ा नाम करने वाली युवती सविता कंसवाल। जल्दी ही माउंट एवरेस्ट की चोटी भी सविता के कदमों को चूमने वाली है। सविता कंसवाल के मिशन माउंट एवरेस्ट का फ्लैग ऑफ बीते रविवार 20 मार्च को दिल्ली से फिल्म और मनोरंजन की दुनिया की मशहूर हस्ती प्रसून जोशी सहित अनेकों गण्यमान्य लोगों द्वारा। पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के इस प्रयास तक पहुंचना आसान नहीं था। तमाम शारीरिक व मानसिक योग्यताओं पर खरा उतरने के बाद भी हर किसी को 25 लाख रुपए स्पॉन्सरशिप से प्राप्त करने होते हैं। नेपाल सरकार की फीस और यात्रा का प्रबंध करने वाली कंपनी की फीस सहित सभी खर्चों को मिलाकर सहयोग करने वाले सभी लोगों का सविता आभार व्यक्त करती हैं। मेन मुझे राज भट्ट सर सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, राजीव मेहता सर हैं, वतलासा मैम है, THDC से मुझे स्पॉन्सर मिल रहा है, क्राउड फंडिंग से मुझे बहुत सारे लोगों ने 500 से 100 रुपये से लेकर के और 10,000 रुपये तक का डोनेशन दिया है, तो मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद भी करना चाहूँगी और आप लोगों की वजह से मेरा सपना पूरा हो रहा है। थैंक यू सो मच। सविता कंसवाल मूलतः महिला गांव मथोली के पास उत्तरकाशी जिले में ही लोंथरू गांव की रहने वाली हैं। इंटरमीडिएट तक की शिक्षा GIC मनेरी से और ग्रेजुएशन की डिग्री उन्होंने उत्तरकाशी से हासिल की। इंटरमीडिएट में ही सविता कंसवाल का चयन 10 दिनों के एक एडवेंचर फाउंडेशन कोर्स में हुआ था। वहाँ मुझे माउंटेनियरिंग के बारे में पता चला कि ओके माउंटेनियरिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है और इसमें माउंटेनियरिंग कोर्सेज होते हैं, तो बस एक जहन में आया कि मुझे माउंटेनियरिंग करनी है। क्यों करनी है, कैसे करनी है, कुछ पता नहीं था बट करनी है। फिर क्यों और कैसे करनी है इसकी पड़ताल कर उन्होंने एक के बाद एक बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कोर्सेज कर डाले। साल 2016 में ही वो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में गेस्ट इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हैं। इस बीच 2019 में वो एवरेस्ट मैसिव के लिए इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन और भारत सरकार की तरफ से आयोजित एक बेहद कड़ी प्रतियोगिता में कुल 1000 पर्वतारोहियों में से चयनित अंतिम 12 लोगों में अपनी जगह बनाने में सफल हुई। उसमें उत्तराखंड से चुनी जाने वाली वो एकमात्र महिला पर्वतारोही थी। माउंट त्रिशूल गढ़वाल हिमालय में है और एक बहुत टेक्निकल पीक है, बहुत टफ पीक है। वहाँ पे हम 7000 मीटर में भी हम अपने आप को प्रूफ करना था, मतलब हम एक कंपटीशन में थे 7000 मीटर पे। देन जो थर्ड राउंड हुआ, लास्ट राउंड, उसमें हम 1000 में से टोटल 12 माउंटेनियर सेलेक्ट हुए एवरेस्ट मैसिव के लिए। मात्र 25 साल की जानी मानी पर्वतारोही सविता कंसवाल जल्दी ही माउंट एवरेस्ट पर भी भारत का झंडा गाड़ने वाली है, जिसकी अंतिम तैयारी की उन्हें बेसब्री से प्रतीक्षा है। देन लास्ट राउंड में जब हम जाते हैं बेस कैंप से, कैंप 2 हम स्टे करते हैं, कैंप 3, कैंप 4 एक दो घंटे साउथ कोल में रुकते हैं, देन रात को 9-10 बजे हम समिट के लिए अटेम्प्ट करेंगे और मॉर्निंग में डिपेंड करता है क्लाइंबर की स्पीड पे। एंड मॉर्निंग से 7 से 8 बजे, अगर रात को हम 9-10 बजे निकल रहे हैं तो 7 से 8 बजे मॉर्निंग में हम समिट पे पहुंच जाएंगे। आखिर कितनी देर का होता है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का रोमांच? उसके बाद समिट में पहुंचे 10-15 मिनट हम फोटोग्राफी वीडियोस, एक्चुअली हमें पूरा 360 डिग्री का वीडियो लेना पड़ता है, फोटोज लेनी पड़ती है, बिकॉज हमें वो दिखाना भी होता है कि हमने माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लिया है। फोटोज ली और देन 10 से 15 मिनट हम टॉप में रहते हैं, देन फटाफट जितना जल्दी हो सके डिसेंड। पर्वतारोहण के क्षेत्र से जुड़ने के लिए सविता कंसवाल युवाओं का आह्वान भी करती हैं, जिससे वो अपने अच्छे स्वास्थ्य और रोजगार
दोनों सुनिश्चित कर सकते हैं। तो उत्तराखंड की लड़कियों के लिए मेरा एक मैसेज है, स्पेशली जो माउंटेनियरिंग करना चाहती हैं। माउंटेनियरिंग एक बहुत अच्छा फील्ड है, और अगर आप माउंटेनियरिंग से जुड़ते हैं तो आपको माउंटेनियरिंग तो आप करोगे ही करोगे, साथ में आपको एक रोजगार भी मिल जाएगा माउंटेनियरिंग के क्षेत्र से। इस प्रकार बुआरी गांव और उसकी ब्रांड एम्बेसडर सविता कंसवाल दोनों ही मिसाल बन चुके हैं, एक पर्यटन तो दूसरी पर्वतारोहण के क्षेत्र में। द वुमेन्स विलेज या महिला गांव में आने वाले अनेकों देशी विदेशी पर्यटक यहां मिलने वाले इको टूरिज्म और रूरल टूरिज्म के अपने अनूठे अनुभवों का बखान करते नहीं थकते। बीते साल 20 दिसंबर को शुरू हुए प्रदीप पवार के बुआरी गांव नामक होम स्टे को बमुश्किल 3 महीने ही हुए हैं, पर इतने कम समय में ही देश विदेश से करीब 40-50 पर्यटक यहां आ चुके हैं। इनमें अमेरिका से आई अनुषा, दिल्ली की दीपिका और मुंबई से आई निधि तो इस महिला गांव में वॉलंटियर्स के तौर पर जुड़ भी चुकी हैं। आने के लिए जो उत्साहित हुए थे वो सबसे पहले तो अमेरिकन एक लड़की थी, जिसने बुआरी गांव नाम सुनते ही इस डेस्टिनेशन को चुना था कि हाँ मैं वहाँ पर जाके अपनी कुछ सेवाएँ देना चाहती हूँ, चाहे वो गाँव के लोगों के लिए, वो एज ए मेडिकल फील्ड से थी। वो अमेरिकन NRI थी अनुषा। The food that they served was so delicious, and they served us such loving food, and the treks and the scenery around here was really, really beautiful. Getting to wake up in the morning and see the Ganga River and the sunrise and the sunset in the mountains has been just a joy. And I will forever cherish this experience, and this town will always have a special place in my heart. केवल अनुषा ही नहीं, दीपिका और निधि जैसे अनेकों अन्य पर्यटक भी इस बुआरी गांव या द वुमेन्स विलेज से काफी प्रभावित हुए। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं, आपको अपनी परिवार जैसा ही लगेगा, और बहुत ही अच्छा खाना है, बहुत ही प्यार से खिलाते हैं, बहुत ही प्यार से आपको से मिलते हैं, और पूरा गांव एक बहुत अच्छी कम्युनिटी की तरह रहता है, तो जो कि देखने में और एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत यूनिक है। कि मैं गांव वाले से काफ़ी कुछ सीख रही हूँ, और दिल्ली बॉम्बे में इतना जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए मैं यहाँ खुली हवा, ताज़ी हवा का आनंद ले रही हूँ, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। वॉलंटियर अनुषा थी, दीपिका थी, अभी निधि आ रखी है, तो गांव से इतना इंगेजमेंट, इतना इन्वॉल्व हो गया है कि गांव के बच्चों के साथ खेल रही है, गांव की माता के साथ खेल रही है, तो वो मतलब उनके प्रकार उनके खुद मन में ऐसा आ रहा है कि ऐसा टूरिस्ट होता है, ऐसा होता है टूरिस्ट। हम तो इनसे डरते थे, इनसे घबराते थे कि टूरिस्ट मतलब पता नहीं क्या सर्विस मांगेगा, तो क्या वो की करेगा। मानसिकता भी बदल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रकार इको टूरिज्म और ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में द वुमेन्स विलेज ने कुछ ही महीनों में न केवल पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, बल्कि उनका दिल जीतने में भी सफल रहा है। जब आगाज इतना शानदार है तो अंजाम भला क्या होगा। द वुमेन्स विलेज के प्रणेता और ब्रांड एम्बेसडर प्रदीप पवार और सविता कंसवाल की अगर माने तो यह महिला गांव या बुआरी गांव जल्दी ही देश के चोटी के पर्यटक स्थलों में शुमार होगा। महिला गांव के प्रणेता प्रदीप पवार की योजना अगले 5 सालों में द वुमेन्स विलेज को देश के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदलने की है। साथ ही उनका लक्ष्य है बुआरी गांव की सभी बेटियों को इस तरह प्रशिक्षित करना कि वो विवाह के बाद इस बुआरी गांव की तर्ज पर ही अपने अपने ससुराल के गांवों का भी विकास कर सकें। बैठे बैठे नदी का दृश्य दिख रहा है, सारा माउंटेन व्यू दिख रहा है, कितनी शांति और शुद्ध वातावरण है, तो इससे अच्छी लोकेशन कुछ कोई हो नहीं सकती, और हमने किया है। अगर हम नाक के बाद जैसी लोकेशन का प्रमोशन कर सकते तो ये हमारे लिए बहुत ही सरल है। वहीं द वुमेन्स विलेज की ब्रांड एम्बेसडर सविता कंसवाल भविष्य में महिला गांव को पर्वतारोहण की गतिविधियों से जोड़कर भी इसका विकास करना चाहती हैं। आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि कुछ वुमेन्स एक्सपर्ट्स हम लेके जाएंगे हिमालय में, तो कोशिश ये रहेगी कि हम महिला गांव से इनका फ्लैग ऑफ करें, फ्लैगिंग करें, इस तरीके से हम इसको और अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे। वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग की वॉलंटियर निधि तुली भी अब महिला गांव से जुड़ चुकी हैं। अब वो भी
बुआरी गांव की महिलाओं को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बढ़ावा देकर स्वास्थ्यवर्धक रूप से आत्मनिर्भर भी बनाना चाहती हैं। अभी वो खुद से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है ऑर्गेनिक फार्मिंग एक छोटा सा पार्ट है उनके एम्पावर होने में, बट वो छोटी छोटी चीजें मिलके ही काफी बड़ी चीजें, बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इस प्रकार मथौली के प्रदीप पवार ने खंडर हो चुकी पशुओं की छानियों को न केवल खूबसूरत होम स्टे में रूपांतरित कर दिया, बल्कि बुआरी गांव के रूप में एक लाभप्रद व्यवसाय के जरिए देश भर के लिए ग्रामीण पर्यटन का एक आदर्श भी स्थापित कर रहे हैं। द विमेंस विलेज या महिला गांव की इस अनूठी, लाभप्रद और पर्यावरण प्रिय पहल से परिचित होने के बाद भला कौन नहीं बोलना चाहेगा, क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।